वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज किशनबाग में और यहाँ पर हॉर्सेस है सेल के लिए अवेलेबल। इसके साथ साथ प्योर ओंगोल का अदंत बच्चा है, लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं इंशाल्लाह इसके दांत बतलाऊंगा आप लोगों को। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एक ओंगोल का बच्चा है, एक तेलंगाना में है, और दो देसी बच्चे हैं जो उस्मानाबादी के हैं। तो इनकी सारी डिटेल हम लेंगे यहाँ के जो ओनर है उनसे। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? वेद भाई, आपका एड्रेस कहाँ पर है किशनबाग में? किशनबाग जलवा होटल के पास। किशनबाग जलवा होटल, और यहाँ पर डक्कन बेकरी भी है मेन रोड पे, वहाँ पर भी आए तो पिक कर लें। ठीक है, तो अभी आपके पास सबसे पहले ये जो बकरा है ये ओंगोल में है ना? ओंगोल में। और ये अदंत है? दो दांत भी नहीं लगा, दूसरे दांत पे भी प्रेशर। दांत लगा ही नहीं, अभी चेक करें ना अपन। ये देखिए अब सांस बन रही है इसके अंदर। ये देखिए अब ये दूध के दांत है, ये हिल रहे हैं अभी। अभी सांस आ रही इसके अंदर, यानी गैप शुरू हो रही और दांत लगाया नहीं। उसके बावजूद भी देखिए हाइट लेंथ सिंग इसके जो निकले हुए हैं बहुत ही शानदार। कोई शौक के लिए लेना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ेंगे, देखिए वेट बहुत ज़्यादा होता, अभी भी तैयार है। क्या प्राइस है इसका आसिंग? 20,000 आसिंग प्राइस है, नेगोशिएबल हो जाएगा। ओके, कम भी हो जाएगा, देखिए बहुत शानदार चीज़ है। मैं घोड़े भी बतलाऊँगा इसके अंदर और बहुत शानदार प्राइस रहेगा। इसके साथ साथ जो बेबी शीप्स हैं वो देख लेंगे। नेक्स्ट में आपके पास वेद भाई ये बच्चे हैं और ये दोनों भी उस्मानाबादी में है ना? महाराष्ट्र की नस्ल है। दोनों मेल है या फीमेल है? दोनों भी मेल बच्चे हैं। और क्या एज होंगी इनकी? 2 महीने के आसपास? दो महीने के होंगे। नेपाल से ना होने पर बकरियां खाओ तो भी 2 साल में इतना नहीं होता ना भाई, बहुत बड़ा हो जाता। तो क्या प्राइस है इनके जोड़ी का? 5,000 रुपये जोड़ी है। 5,000 में जोड़ी, ठीक है। और इसमें नेगोशिएबल भी है, फिक्स है? नेगोशिएबल कर देंगे। इसमें भी नेगोशिएबल है, देखिए बहुत अच्छा प्राइस है भाई के पास। 5,000 में जोड़ी है नर बच्चों की। नीचे छोड़िए, पत्ता वगैरह खा रहे हैं? जी हाँ, पत्ता दाना दूध। अच्छा, सभी खा रहे हैं जी? ठीक है, प्योर उस्मानाबादी है। जो इंटरेस्टेड हो आप लोग कॉल करिए। इसके बाद में एक ओंगोल का बच्चा है यहाँ पर, ये वाला लीजिए आप। ये भी मेल है दोनों? जी हाँ, ये भी दो मेल। और ये एक तेलंगाना में है, ये भी है। इसको ही बतलाइए पहले सिंगल। ये भी देखिए लगभग 2 महीने के आसपास की एज है इनकी, और चारा वगैरह खा रहे हैं, जैसे चुन्नी लगे भी है इनके मुंह पे। ये क्या प्राइस में है? एक जोड़ी है 5,000। जोड़ी है 6,000 में जोड़ी है। अच्छा, ये तेलंगाना है, ठीक है। और ये भी देखिए एकदम गोल सेहतमंद है, जुगाल भी कर रहे हैं माशाल्लाह, यानी पत्ता वगैरह खा रहे हैं सब अच्छे हैं। ये 6,000 में पेड़ है, इसमें भी नेगोशिएबल करेंगे आप? जी हाँ, कर देंगे नेगोशिएबल। चलिए आप लोग फायदा उठा सकते हैं, देखिए जल्द से जल्द कॉल करके। इसके बाद में यहाँ पर स्टैलियन है आपके पास, एक काला है पूरा घोड़ा, और ये घोड़ा ये कौन सा है? मोहा। मोहे में क्या फर्क होता, मोहे में और काले में, मतलब डिफरेंसेस कैसा पहचानेंगे? कान से पहचान सकते हैं, कान से पहचान सकते हैं, बाल भरी कान से, जिसको टैलेंट है उन्होंने देख ले समझ जाता। अच्छा, और ये कुमेद है? कुमेद है, लाल। तो ये 3 भी सेल के लिए है, ये बाहर निकाल के बतलाएंगे जी। ठीक, उबेद भाई नेक्स्ट में सबसे पहले तीनों घोड़ों में से ये एक घोड़ा है, और तीनों भी स्टैलियन है, तीनों भी नर घोड़े हैं ना? तो ये जो घोड़ा है क्या उम्र है इसकी? 4 साल के अंदर। 4 साल के अंदर है। और क्या हाइट है? 60 हाइट है। अच्छा, एक एवरेज 60, यानी 59 to 60। 59 है तो 58 बोल सकते हैं आप, यानी एक कम बोल के बोलना लोगों को अपन। 59 है, ठीक है, 59 एग्जैक्टली हाइट है। देखिए नर घोड़ा है स्टैलियन, और कौन सी नस्ल का है? कुम्मेद। कलर कुम्मेद है, नस्ल कौन सी है? काठियावाड़ में, ठीक है, काठियावाड़ में। देखिए सिर्फ तिलक है इसको, और पूरा कुम्मेद घोड़ा है। पैर देखिए आप, देखिए बाहर भी जैसे निकाल के देख रहे हैं आप, काठियावाड़ी नस्ल के अंदर कुम्मेद कलर है इसका, और 4 साल के आसपास की एज है। और पैर वगैरह भी मैं इसको यानी वॉक करा के बतलाने लगाऊंगा आप लोगों को। तो नाल वगैरह बनी हुई है पूरी, यानी दलवाना नहीं है। और थोड़ा वॉक कराइए, क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आसिंग आप? 55,000 आसिंग प्राइस है, नेगोशिएबल रहेंगे ये भी?
कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, प्राइस नेगोशिएबल भी हो जाएगा। देखिए 55,000 आस्किंग प्राइस है, खातीवाड़ी नस्ल के अंदर है। और इसके बाद जो दूसरा है वो लाइए वीर भी। नेक्स्ट में ये घोड़ा है आपके पास जो बॉन्ड कंडीशन में है, और ये मोआ कलर बोले आप, ठीक है, इसको मोआ जो बोल रहे हैं। देखिए हल्का चेहरे के ऊपर ब्राउन शेड आता और पीछे बॉर्डर दिखते, नीचे के पैर ब्लैक हो रहे हैं और ऊपर हल्का शेड आ रहा है, इस वजह से नॉर्मली आप देखेंगे अगर तो ये सीधे में ब्लैक है, लेकिन जो मोआ कलर है हल्का सा इसके ऊपर रेडिश कलर आता। तो अभी क्या एज है इसकी? चार साल का है। चार है या छः? चार साल का ही है। और राइडिंग वगैरह सब चालू है इसकी? बग्गी भी चलता घोड़ा है? बग्गी नहीं चलता, ठीक है, राइडिंग का चालू घोड़ा है। देखिए 4 साल एज है और ये भी नर है ना, स्टैलियन है, ठीक है। तो इसकी भी थोड़ा सा बाहर निकाल लेके देख लेंगे। और तिलक है इसके अंदर, कंडीशन बहुत शानदार है। देखिए ये देखिए, अब ये भी चलने करने में साफ है। और इसके एक पैर में नाल नहीं है बोले ना, ये इसके चारों पैरों में नहीं है? अच्छा, चारों पैरों में भी नाल नहीं है इसके। सिर्फ तिलक है उसको और बाकी का पूरा काला है। देखिए घोड़ा हाइट कितनी है बोले आप इसकी? 60 है इसकी हाइट। 60 हाइट है, 60 माप का घोड़ा है और 4 साल के आसपास एज है, कंफर्म है। और ये भी मारने कतरने वाला घोड़ा नहीं है ना? कुछ भी नहीं, तो आखिरी गरीब शरीफ है। गरीब शरीफ है बिल्कुल, घोड़े पालने वाले अमीर रहते ना भाई, लेकिन घोड़ा गरीब शरीफ, घोड़ा गरीब शरीफ है, ठीक है। तो क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आसिंग आप? 75,000 आसिंग प्राइस है। नेगोशिएबल भी रहेगा इसका? और 60 प्लस ही इसकी हाइट आएंगी, फिर भी आप 60 बतला रहे हैं ना, ठीक है, कंफर्म 60 रहेंगे। देखिए लेकिन 60 प्लस ही है और चलने करने में भी राइडिंग का भी अच्छा घोड़ा है। यहाँ स्पेस नहीं है इस वजह से बतला रहा हूँ मैं राइडिंग, लेकिन वॉक देखिए आप लोग, चारों पैर भी साफ है इसके। आइए आके देख के लीजिए। इसके बाद में एक और है वो भी बतलाऊंगा आप लोगों को। और जो प्राइसेस बतला रहे हैं इसमें नेगोशिएबल भी रहेंगे? पूरा नेगोशिएबल हो। क्या प्राइस बोले थे आप इसका? 75 फर्स्ट जो बतलाए थे 55 था और ये 75 है। और इसके बाद एक और है वो भी ला लीजिए। और लास्ट में आपके पास ये घोड़ा है, ये भी नर है। क्या उम्र है इसकी? 6 से 7 साल है। और क्या हाइट रहेंगे? 61 इसकी हाइट है, ठीक है। राइडिंग वगैरह सब चालू है इसकी? अच्छा नाल नहीं है तो पैर थोड़ा सा कच्चे है। अच्छा ये जो स्वेलिंग पीछे के पैरों में दिख रही, ये किस वजह से? ठहरे ठहरे भी स्वेलिंग आती ना, आ जाती, यानी थोड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं, यानी जख्म वगैरह है, बल्कि ये पानी भरा हुआ रहता है, रनिंग अगर कराएंगे नाल वगैरह डाल के तो चले जाता है, एक राउंड में कम हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक पैर में नाल नहीं है देखिए, लेकिन 61 इसकी हाइट है और पूरा काला घोड़ा है। जो हल्के से स्पॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये एज की वजह से वाइट बाल है इसके ऊपर, वरना पूरा यानी जेड ब्लैक है। और तिलक वगैरह है इसको नाक के ऊपर है, हाँ एक तिलक है और नाक के ऊपर एक स्पॉट है। देखिए क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आस्किंग? 75, ठीक है। और नेगोशिएबल है इसके? ठीक है, इसके भी नेगोशिएबल रहेंगे। ये देखिए आप, ये भी चल रहा घोड़ा, लेकिन सिर्फ पैरों में हल्की सी तकलीफ है, वरना नॉर्मली राइडिंग वगैरह सब चालू है इसकी। स्टैलियन घोड़ा है ये भी, 61 हाइट है। कौन सी नस्ल में है उबेद भाई? काटेवार में, ठीक है। और क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आस्किंग? 75,000। इसमें देवबन भी है हल्का, ठीक है, 75,000 आस्किंग प्राइस है। नेगोशिएबल हो जाएंगे प्राइसेस। किशनबाग डक्कन बेकरी है और जलवा होटल है, ये दो लैंडमार्क लोकेशन है। देखिए अगर डायरेक्टली कोई कॉल करे तो लोकेशन भी भिजवा देंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह और बहुत सारे मैं वीडियोज़ बताऊँगा आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।